मथुरा के यमुना पार थाना क्षेत्र में गाली गलौज से शुरू हुआ विवाद युवक की हत्या पर जाकर खत्म हुआ। आरोपी ने अपने पड़ोसी युवक के सीने में तमंचे से गोली दाग दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं हत्या की सूचना एसएसपी समेत पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी की, साथ ही आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक यमुना पार थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर स्थित शिवनगर कॉलोनी निवासी 26 वर्षीय नितिन उर्फ भोला की रविवार रात को शराब पीने के दौरान पड़ोस में रहने वाले कृष्ण नामक युवक से कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने नितिन को गाली देना शुरू कर दिया। इस पर नितिन ने उसका विरोध किया। इस बीच आरोपी के भाई और उसके परिचित भी मौके पर आ गए, जिसके बाद उन्होंने कृष्णा को समझाने के बजाय नितिन के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं झगड़ा होते देख आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। इस बीच आरोपी ने तमंचा निकालकर नितिन के सीने में गोली दाग दी, जिससे नितिन लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया, जबकि गोली मारने के बाद कृष्ण वहां से फरार हो गया। वहीं फायरिंग की आवाज सुनकर नितिन के परिजन भी मौके पर पहुंचकर आनन-फानन में लहूलुहान नितिन को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे आगरा एसएन अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इधर हत्या की सूचना मिलने पर एसएसपी शैलेश कुमार पांडे समेत अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया। इसके साथ ही आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के लिए एसएसपी ने थाना प्रभारी निरीक्षक को निर्देश दिए हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कौन लोग हैं गोली मारी? नहीं पता। तुम्हें कैसे वाले बड़ी सूचना मिली थी? तुम्हें हमारे पास खबर आई है कि उनके गोली लग गई या नहीं मालूम है। कैसे क्या हुआ है? मुझे कितना समय हो गया शादी को? शादी को कितने साल हो गए? तुम्हारी 6 साल पूरे हो गए। क्या बच्चे हैं तुम पर? मेरे भाई को गोली मार दी है। क्या नाम है भाई का? नितिन भारद्वाज। किसने गोली मारी है? कृष्णा नाम की लड़की। किस बात को लेकर गोली मारी? क्या वजह रही? छोटे भाई से कुछ झगड़ा हो गया था, वो उनको बचाने के लिए गए तो छोटे भाई वहाँ से निकल गए, पीछे से इनको दबोच लिया, इनमें गोली मार दी। कितने लोगों ने गोली, कितने लोग थे? वहाँ 4-5 तो होंगे, 3-4 का तो नाम भी याद है। बताओ नाम बताओ। कृष्णा चौधरी, पिता का नाम है सुक्को चौधरी, उसका भाई है योगेश और लोकेश, और एक दो लड़के पीछे गली में रहते हैं शिवनगर कॉलोनी में, उसका नाम है प्रशांत उर्फ तन्नू। अच्छा, ये 5 लोग थे? हाँ ये 5। कोई पुरानी रंजिश चल रही थी वाले से? नहीं कुछ नहीं। घटना भैया मेरे चोरा में जाने गोली मार दी है। क्या नाम है उसने गोली मारी है? आपका नाम है वो सुखवीर का लड़का किसना है? किस बात पे लेके? कोई पुरानी रंजिश थी? कोई रंजिश नहीं भैया। तुम्हें कैसे मालूम पड़ी गोली मार दी उसने? अरे भैया मेरा छोटा चोरा मैंने देखे हुए भेजो बाकी सामने ही मारी है। एक मुसलमान को लड़का हो, एक वो इनके सामने मेरे बच्चा के सामने गोली मारी है वाने। देर रात थाना जमुना पार के शिवनगर कॉलोनी में एक युवक की गोली मार के हत्या की गई है। युवक चूंकि घायल था, उसको भेजा गया एशियन मेडिकल कॉलेज, जहां पे वो पहुंच के डेड हो गया। अभियुक्तों को जो नाम आए हैं प्रकाश में, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, दबिश दे रही है। परिवार की तरफ से जो भी तहरीर दी जा रही है, उस पर मुकदमा कायम करके अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और इस घटना का पटाक्षेप किया जाएगा। प्रथम दृष्टया क्या निकल कर आया, हत्या की वजह क्या रही है? हत्या की वजह दोनों, इसके मृतक का बड़ा भाई और जिसने गोली मारी है एक्यूज, दोनों साथ में दारू पी रहे थे, उस पर इसने मना किया और उसी में बात बढ़ गई और उसने गोली मार दी।